IBPS एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2015 पेपर। मृदा के अनुकूलन भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम मृदा संरचना है। तो मृदु कणिकीय एवं कणिकाएं मृदा के प्राकृतिक समुच्चय कहलाते हैं। पेड़ बल लगाने पर मृदा में उत्पन्न विरूपता का प्रतिरोध करने वाली अवस्था को कहते हैं गाढ़ता। मृदा की सांद्रता 40% है तो इसका रंध्र अनुपात होगा 0.60। निम्न मृदा जल अधिशोषित बलों द्वारा धारित रहता है। आर्द्र ग्राही एवं जल कोशिकीय जल द्वारा। लिग्निन एवं पिनोलिक यौगिक की अपघटन यानी विच्छेदन की गति होती है बहुत ही धीमी। मृदा में कार्मिक पदार्थों के अपघटन या विच्छेदन में कमी होती है यानी कम होते हैं क्षारीयता में। क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है अमोनिया सल्फेट। सिंचाई जल SAR यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात की गणना निम्न में से किस सूत्र की सहायता से की जाती है। आयन की मात्रा मिल इक्विलेट प्रति लीटर SARN+ आयन बटा अंडर रूल के प्लस आयन प्लस Mg+ आयन बटा 2। सिंचाई जल के RSC ने अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की कौन सी सुरक्षित सीमा वैज्ञानिक इटन 1950 द्वारा प्रस्तावित हुई है 1.25 से कम मिल इक्वेट प्रति लीटर। पौधों की रोग प्रतिरोधता किस तत्व से आती है। इसका आंसर तो दे रखा है इसमें मोलिब्डिन है। वैसे तो पोटेशियम होनी चाहिए इसलिए कन्फ्यूजन ही है। कैल्शियम एवं बोरन की कमी के लक्षण साधारणतः दिखाई देते हैं शीर्ष कलिकाओं की तरुण पत्तियों पर। साधारणतः किन फसलों में म्यूरेट ऑफ पोटास अनुपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है। गन्ना चुकंदर तंबाकू में। डाई अमोनियम फॉस्फेट पाया जाता है यानी DAP में पाया जाता है 18% नाइट्रोजन 46% फॉस्फोरस। पण हरित की आवश्यक अवयव है नाइट्रोजन और इसमें कोई है नहीं। धान में खैरा रोग यानी मुख्यतः किस तत्व की कमी से होता है। जस्ता यानी जस्ता को जिंक भी बोलते हैं। कौन से उर्वरक में साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है बेसिक स्क्ले। निम्न में से कौन सा चेन संरक्षण से संबंधित नहीं है। जेक जेकब जे चेन। निम्न में से कौन सा फील्ड सबसे बड़ा है। फील्ड ए अनुपात 10 स्क्वायर किलोमीटर। निम्न से कौन सा आधुनिक संरक्षण उपकरण है। DGPS। समान वर्षा वाले स्थल को जोड़ने वाले रेखा कहलाती है आइसो हाइट। जलीय चक्र के वर्णन हेतु सबसे सुविधाजनक प्रारंभिक बिंदु है महासागर। जलीय विश्लेषण में जल घनत्व को प्राय प्रदर्शित किया जाता है घन मीटर प्रति सेकंड। वर्षा काल के रिटर्न समय अथवा रिकनेस इंटरवेल को इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है T=N+1/m। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को यह भी कहा जाता है तोफान। किस अपोहा गुणांक अधिक होता है कृषि भूमि का। वह कटाव जिसकी तीव्रता 0.5 से 5 घन मीटर प्रति हेक्टर वर्षा है वो माना जाता है अत्यधिक कटाव। जलीय मिट्टी समूह सी होता है गहरी बलुई मिट्टी। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिक अत्यधिक भूमि कटाव का कारण है। अत्यधिक ढलान उष्ण कटिये वर्षा वन क्षेत्र में। खूड अपरदन सामान्यतः शुरू होता है भूमि ढलान के निचले क्षेत्र में। ढलान लंबाई की सीमा जिस पर मिट्टी का कटाव शुरू होता है वह कहा जाता है क्रांतिक ढलान लंबाई। पर तथा वायु कटाव की अपरदन तीव्रता को व्यक्त किया जाता है घन मीटर प्रति हेक्टर टन प्रति हेक्टर इन दोनों द्वारा। मिट्टी खेत तकनीकी भूमि कटाव हेतु तो अधिक प्रभावी है।
यदि इसके साथ अपनाए जाए। फसल चक्र, समूचे मेड की लंबाई प्रति हेक्टर इस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, वी आई अपॉन एस इंटू 100। मिट्टी इरिडेबिलिटी निपो ग्राफ इसके द्वारा दिया गया था, विश्वकर्मर एट 1971। क्लास ए पान में सामान्यतः वाष्पन पान गुणांक का मान होता है 0.70। दक्षिणी राजस्थान में सभी क्षेत्रों में जल निकास नाली उपचार के लिए सबसे उपयुक्त संरचना है बंद पत्थर बांध। जल संचयन परियोजना हेतु नाले पर निर्मित चिकनाई युक्त पक्की संरचना को जाना जाता है एनी कट। एक काल्पनिक रेखा जिसके समस्त बिंदुओं पर तल माप एक ही हो कहा जाता है रिस लाइन। निम्नलिखित में से समूह में से C4 पादप है, मक्का बाजरा और ज्वार अधिकतर खरीफ फसल वाली C4 पादप में आती है। जब दो या दो से अधिक फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं लेकिन उनमें से अंतर प्रतिस्पर्धा का प्रभाव नहीं होता कहलाती है सहचर्य फसलें। अंकुरण जिसमें प्रअंकुर ऊपर की ओर धकेले दिया जाता है और बीज पत्र मृदा के अंदर रुके रहते हैं को कहते हैं एपीजीएल अंकुरण। पुनः प्रतिष्ठित फसलें उन्हें कहते हैं जो कि मृदा कटाव काटने पर अच्छी उपज के साथ साथ मृदा सुधार का भी कार्य करती है। प्रति वर्ष चार फसलें को एक ही खेत में इस प्रकार से उगाना कि पूर्ववर्ती फसलें के काटने से पहले उत्तरवर्ती फसलों को बो दी जाए को कहलाते हैं रिले क्रॉपिंग भी बोलते हैं रिले सेशन। एक कृषि वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में यदि धान के बाद गेहूं अथवा ज्वार के बाद चने की प्रक्रम खेती करने को कहते हैं चक्रीय सेशन। पॉपकॉर्न कहलाता है जिया मेज एवक्टा स्टेट। निम्न में से किस अपतरण के नियंत्रण हेतु जैव कारक के रूप में जाइकोग्रामा बाइकोलरेटा का प्रयोग किया जाता है गाजर घास के नियंत्रण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय अपतरण का उदाहरण है, गेहूं की फसल में पहले रस माइनर, सरसों की फसल में ओरोबैंकिंग इजिपेप्टिका एका नामक परजीवी को नियंत्रण के लिए उपयुक्त शाकनाशी है पेंडी मेथाइलिन या फ्लूक्लोरिन। मूंगफली में चौड़ी पत्ती वाले एक वर्षीय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शाकनाशी है फ्लूक्लोरिन, इसको बेसालिन भी बोलते हैं। जंगली सरसों नामक खरपतवार वैज्ञानिक नाम है सिनापिस आरिनेसिस। निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी चयनात्मक नहीं है, विटाक्लोर। स्वास्थ्य के प्रति विषजन्य एल्कलाइड बाजरे के किस रोग में पाए जाते हैं, अर्गट में। राजस्थान में बाजरे की बीज दर रखती है 4 kg प्रति हेक्टर। उर्द की फसल के अंतरा एवं अंतर पंक्ति की दूरी होती है 30x10। निम्नलिखित फसलों में किस फसल की तुड़ाई या इस आशय से की जाती है कि पौधे की शीर्षक वृद्धि अवरुद्ध हो जाए और पार्श्व शाखाएं उन्नति हो जाए, चने में, ये निपिंग बोलते हैं चने में इस प्रक्रिया को। गेहूं की ए अंकुरण एवं वनस्पति वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान है 20 से 22 और 16 से 22 वनस्पति के लिए। चने के क्षेत्रफल और उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रति व्यक्ति दालों के न्यूनतम सिफारिश निम्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ICAR बोलते हैं, इसको द्वारा इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और 70 ग्राम प्रति व्यक्ति दालों की निम्न सिफारिश है। जब बाजरे व मूंग के बीज को मिलाकर छिड़काव विधि द्वारा बोया जाता है तो ये उदाहरण है मिश्रित सस्चेन का। एक निश्चित भूभाग में प्रति वर्ष एक ही फसल उगाने को कहलाते हैं मोनोक्रॉपिंग, यानी बार बार एक ही फसल उगाना। यदि केवल दो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो तो गेहूं के निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक वृद्धि अवस्था के लिए सिंचाई करनी चाहिए, एक तो शीर्षक जड़े जमने के समय CRI और दूध दानों में दूध पड़ते समय।
बगीचे लगने की किस विधि को अधिकतम पौधरोपण किया जा सकता है? षष्ठभुजाकार। कौन सा राजस्थान का टीका कहलाता है? रोहिडा। निम्न में से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? अंगूर। फलों उद्यान लगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5 तक। भारतीय गुंजबेरी किस फल का नाम है? आंवला। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर। इसको सेंटर एरिड बागवानी बोलते हैं इसको। संरक्षित खेती अधिकतम उत्पादन का मुख्य कारण है? उच्च तापक्रम, अधिक ऑक्सीजन, अधिक प्रकाश संश्लेषण दक्षता, उपयुक्त सभी। द्विवर्षीय फलन एक मुख्य समस्या है आम में पाई जाती है। ल्यूकेसीना, ल्यूकेसी फैला वनस्पति नाम है साबुबुल का। तित्रधार एवं लखनऊ 49 निम्न में से किस फल की किस्म है? अमरूद की। मरदुला किस फल की किस्म है? अनार की। आम बीज रहित किस्म है? सिंधु। बेर में कलिकेन का सर्वोत्तम समय है जुलाई अगस्त। ग्राफ्टिंग विधि में पौधों का निचला भाग जाना जाता है स्ट्रोक। बेर व्यवसाय प्रावधान होता है टी कलिकेन द्वारा। आम में प्रावधान व्यवसाय विधि है विनर ग्राफ्टिंग। जन सहभागिता से वन प्रबंधन को कहते हैं सामाजिक वानिकी। अनार में फल फटने का मुख्य कारण है बोरोन। फल मक्खी किसका मुख्य कीट है? बेर का। तथा सर्वाधिक विटामिन सी का स्रोत है आंवला। थैंक यू सबका।